जी बहुत शुक्रिया आपका, देखने वालों का शुक्रिया, यहाँ पर जो हमारे साथ लोग हैं इनका शुक्रिया, पाकिस्तान में हर इंसान का शुक्रिया, पाकिस्तान से बाहर जो जो समा पे हमें देख रहे हैं और जो जो नहीं भी देख रहे हैं ना, आपका भी शुक्रिया। आप हमें नहीं देख रहे फिर भी हम आपसे मोहब्बत करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हम प्यार बांटने वालों में से। ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक, ईद की बोटियाँ मुबारक आपको, आपके दोस्तों को, घर वालों को, हमसाओं को, जो जो ईद मना रहा है, पूरी दुनिया में ईद मना रहा है, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आप हमारे साथ अपनी ईद मना रहे हैं, हमें इस ईद पर अपना वक्त दे रहे हैं, और आप सोच रहे होंगे कि आज के शो में गेस्ट कौन होंगे, बहुत से लोगों को पहले से पता आपके फेवरेट स्टार्स आने वाले हैं, लेकिन जिंदगी भी क्या कमाल चीज़ है, आप सब माशाल्लाह जानते हैं कि हमारी जिंदगी एक कहानी की तरह, किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन किसी के एक्सप्रेशंस बता रहे होते हैं कि उसके पीछे कोई अफसुरदा कहानी है, किसी की खुशी बता रही होती है कि उसके पीछे बड़ी कोई जबरदस्त कहानी है। यही कहानियां बेला जी जब फिल्में बनके बड़े पर्दे पे आती हैं, हम इनको कितना पसंद करते हैं, सबको नहीं, अक्सर कुछ कहानियों को पसंद नहीं भी करते, लेकिन कहानियों से हमारी जिंदगी का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। हमारे मुल्क में वैसे भी बहुत कहानी है, हर बंदा ही माशाल्लाह कहानी / फिल्म है, और पाकिस्तान में तो बहुत ही चलती हैं। आप मैकेनिक के पास चले जाओ, खुद ही हवा कट के तुहानू कहिंदा पांच टायर पंचर है, ठीक है, फिर ऐसी फिल्म चलांदा कि 6 पंचरां दे पैसे मांग लैंदा तुहाडे कोलों। एक तो माशाल्लाह कहानी है जो हम IMF को सुनाते हैं, और फिर एक फिल्म है जो IMF हमें कराता है, और वो तो हमें बहुत ज़्यादा फिल्में कराते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी फिल्में चलती हैं ना, ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाते हैं लोग कि मैं आपको क्या बताऊँ। बेला जी बंदा सुता होता है, टोटल डीप स्लीप में होता है, अपने दोस्त को कह रहा होता है मैं 10 मिनट में आ गया जानी, मैं 10 मिनट में आ गया, ये क्या बात है। ऑनलाइन फिल्में चल रही होती हैं, सबा इजी लोड वाली, कितना नुकसान करवाया उसने, कितनी बड़ी फिल्म थी, क्या क्या कहानियां उसने सुना दी। अब तो सबसे फेमस गाना भी कहानी सुनो है यार। बेला जी आजकल तो बच्चे माँ बाप को क्या कहानियां सुना देते हैं, फीस 25,000 होती है, माँ बाप से 30,000 ले लेते हैं, अगो जी तो माँ बाप पूछते ने पुत्र 5,000 किस काम का, वो फाइन हो गया सी। कहानियां फिल्में पेपर देकर आते हैं तो ऐसी फिल्म चलाते हैं कि ओहो हो कमाल हो गया, बहुत आला पेपर हो गया, और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है फिर हैवी उनके साथ खुद ही फिल्म हो गई, कहानी हो गई। कहानियों के जब शहजादों की बात कर रहे हैं तो हमारे सियासतदानों की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। कोई हॉलीवुड का डायरेक्टर क्या फिल्में चलाएगा जो हमारे सियासतदान हमारे साथ फिल्में चला देते हैं। इलेक्शन के दिनों में आवाम को मिलते हैं, हैवी कहानियां सुनाते हैं, फिर अगले 5 साल फिल्म चलाते हैं। ये कहानी और फिल्में बिल्कुल, इलेक्शन से पहले कहानी चलती है, इलेक्शन के बाद फिल्म चलती है, और इतना क्लाइमेक्स तो असल फिल्मों में नहीं होता जितना हमारी सियासत में हो जाता है। बजट कोई और चलाते हैं, आगे फिल्म कोई और चलाते हैं, मुल्क में हमें वोट के लिए फक्की कोई और बेचते हैं, फिर मुल्क किसी और तरह चलाते हैं। बेला जी ये तो हमारे मुल्क में बड़े सालों से चल ही रहा है, लेकिन आप देखें ये जो गैर कानूनी तरीकों से लोगों को बाहर के मुल्क लेकर जाते हैं, उनको अजीब कहानियां सुनाते हैं, यूरोप जाने के उनको सपने दिखाते हैं, उनके माँ बाप अपनी जायदादें बेचकर पैसे इकट्ठे करके उनको भेजते हैं, और बाद में वो खुद एक दर्दनाक कहानी बन जाते हैं। खैर, कहानियां सुनाना और फिल्में चलाना तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इनके बगैर हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है। हम इस वक्त अपने शो को आगे लेकर चलते हैं, और आज के हमारे शो में भी 3 कहानियों की एक कहानी आ रही है, और ये तेरी मेरी कहानियों की जो कास्ट आज हमारे साथ आ रही है, इन्होंने शो की गेम उठा देनी है। आई वॉन्ट यू ऑल टू वेलकम भरपूर तालियों के साथ, मोहब्बत के साथ, जोश के साथ, लगन के साथ, द डैशिंग शहरयार मुनव्वर, द टैलेंटेड रमशा खान, और हमारे मुल्क की बहुत बड़ी सुपर डुपर स्टार, द फेवरेट वन एंड ओनली महविश हयात। आई एम गुड, हाउ आर यू, थैंक यू सो मच, कैसी हैं आप, ठीक हैं, कैसी हैं आप, प्लीज प्लीज प्लीज। Thank you so much. Firstly, welcome to Hadgardi with Momin Saqib. कैसा सफर रहा आप लोगों का? बस हमने हद कर दी। हद कर दी? हाँ। आकरी हाँ। और आज तो लाहौर ने भी गर्मी की हद कर दी। जी, जी, है ना? लेकिन हम आए हैं लाहौर, बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारी फिल्म, जैसे आपने कहा तेरी मेरी कहानियां की प्रमोशंस हैं और रिलीज हो रही है ईद पे। बिल्कुल, तो मुझे बताएं ये 3 कहानियों का मिलाप कर दिया आपने, मिला दिया इन 3 कहानियों को, इवन दो ये सेपरेटली शॉर्ट फिल्म्स थी, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? द रीजन वॉज के ये तो वैसे सीमी जो हमारी सीमी आपा जो प्रोड्यूसर हैं वो इसका बड़ा अच्छा जवाब देती हैं, बट मैं यही कह सकती हूँ कि 3 उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं और वो एक सिंगुलर तो सिनेमा पे चल नहीं सकती क्योंकि फीचर लेंथ चाहिए होती है। सो उन्होंने 3 बेहतरीन शॉर्ट फिल्म्स जो कि शॉर्ट लाइक ह्यूज बजट वाली जो फिल्म्स होती हैं उस तरह की 3 स्टोरीज हैं और तीनों एंथोलॉजी का एक एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने किया है। एंड आई थिंक सबसे अच्छी बात यही है कि जो एक टिकट में आपको 3 फिल्में देखने को मिले तो ये आई थिंक इज अ ग्रेट स्टेप एंड अ बिगिनिंग। आई थिंक इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे हमारा एप्टीट्यूड अब चेंज हो गया लोगों का, लोग बाइट साइज्ड चीज़ें इंजॉय करते हैं, हम 1 मिनट की शॉर्ट्स इंजॉय करते हैं यूट्यूब पे। सो आई थिंक उस लिहाज से ये मज़े की बात होगी कि 35 मिनट में आपको स्क्रिप्ट जो है वो फिल्म की मिलेगी, तो वही आपको 3 एक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। सो इट्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट, आपको एक
छोटी मिनी साइज में फिल्म, बाइट साइज्ड फिल्म कहूंगा मैं इसको, मिलेगी। सो आई वांट टू सी कि ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करती है इस पर। ऑफ कोर्स आई थिंक आपने अवाम के एक बड़े ही जो कहते हैं ना वो जो इनका एग्जैक्ट पॉइंट है उसको दबा दिया जाके कि एक टिकट में तीन मूवीज के मजे की चाहिए जिंदगी। तो आपने आई थिंक ये एक नो ब्रेनर है, वो कहते हैं ना ये फिल्मों की बंपर डील लेकर आया आपके लिए। आप लोग तरफ का डीले ढूंढ रहे होते हैं, तो तीन गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा तीनों एक एक रीजन दे दें व्हाई शुड दे गो एंड वॉच दिस मूवी। Well, I think everyone should go and watch this movie because एक तो उसमें शहरयाम नवर में विषयात हैं, नहीं और दूसरा नहीं नहीं और दूसरा ये कि तीन जॉनरस हैं और उसमें रोमांस है, उसमें हॉरर भी है और रोम कॉम भी है और यू नो एक टाइमलेस ड्रामा भी है। तो मैं तो इस वजह से देखने जाती क्योंकि मुझे एक ही फिल्म में तीन फ्लेवर्स मिल रहे हैं। वेरी नाइस, तालियां। थैंक यू, वेरी नाइस, very very articulate. Yes, and I would just further what you said ke teen kahaniyan bilkul alag mukhtalif hain, teenon itne acche writers ne likhi hain, itne bade directors ne direct kiye hain jinhone bahut bade bade hits diye hain previously. To disappointment hai hi nahi kahin pe bhi, koi risk factor nahi hai. Aur eid pe koi na koi acchi badi film aa rahi hoti hai to logon ko bhi koi entertainment chahiye hoti hai. So I think eid pe sirf khana wana nahi, kuch aapki outing hoti hai, friends family. So it's something, इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है इन तीनों कहानियों में. So there is humor, there is drama, there is romance, there is shaadi, ब्याह, गाने. So there is no reason why they should not go and watch it in the cinemas. आजान, मुझे लगता है हसीना ने दो बहुत important बातें तो कर दी हैं, मेरे पास ज़्यादा कुछ add करने के लिए नहीं है. But मैं कहूँगा कि पहली दफ़ा हुआ है कि तीन directors ने collaborate किया है. हमारे मुल्क में वैसे ही collaboration जब आती है और artists में जब collaboration आती है तो लोग बहुत दिल छोटा कर लेते हैं. तो ये पहली दफ़ा है कि लोगों ने दिल बड़ा किया, एक्टर्स ने भी और डायरेक्टर्स ने भी, और कोलैबोरेट किया है. तो आई थिंक एज एन एक्सपेरिमेंट, मैं तो एज एन ऑडियंस मेंबर देखना चाहता हूँ एज एन एक्सपेरिमेंट कैसे लगेगा जब तीन बड़े डायरेक्टर्स, इतने सारे एक्टर्स साथ कोलैबोरेट करेंगे तो वो क्या चीज़ आएगी. वेरी नाइस, इनको वेलकम करते हैं, हग करती और इनको बिठाते हैं. थैंक यू, लेट्स डू दिस. बहुत से सवाल होंगे और इनके जवाब भी होंगे और कुछ मजे मजे के सेगमेंट्स होंगे और आप लोग तो ऑलरेडी हमारे शो को इतना पसंद कर रहे हैं, आप लोगों ने शो हिट करना है. लेकिन मैं अक्सर ये बात करता हूँ पब्लिक फिगर्स को, जो हमारी आवाम है, इनकी सक्सेस में, इनकी विजिबिलिटी में, एट टाइम्स कमर्शियल फाइनेंशियल सक्सेस में भी आपका हाथ होता है, लेकिन इनकी खुशी में आपका हाथ नहीं होता. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों के साथ एक रिलेशन है तो दिल की बात तो करूंगा जो सच होगा. इनकी खुशी इनके पास खुद ही है. सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपसे पूछूंगा. इसमें वहाद के साथ आपने काम किया जो कि आजकल बहुत हिट है एंड पीपल आर लविंग हिम, अप्रिशिएटिंग हिज टैलेंट, हिज वर्क. एंड इट हैज़ टू बी नोटेड कि वहाज ने भी एक बहुत बहुत हार्ड वर्क किया, एक काफ़ी टाइम उन्होंने मेहनत की और मेहनत का सिला अल्लाह ताला तो देते ही हैं, इस बात में कोई शक नहीं, और वो भी बिल्कुल इस चीज़ की मिसाल है. वहाद के साथ आपका पहला एक्सपीरियंस है, रिटन बाय खलीलुर रहमान कमर, जो कि इंडस्ट्री में मशहूर हैं, बड़े सख्त राइटर हैं और अपनी स्क्रिप्ट अपने तरीके से करवा के रहते हैं. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरे लिए खलील साहब का स्क्रिप्ट मैं बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ. आई थिंक मंजिली एंड दिल्लगी वॉज रिटन बाय हिम, तो दो ड्रामास किए थे उनके. एंड पंजाब नहीं जाऊँगी, जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट वॉच्ड मूवीज, ब्लॉकबस्टर है, वो उन्होंने लिखी और आज तक उसके डायलॉग्स लोगों को याद है. सो उनका जब स्क्रिप्ट होता है, एंड आई थिंक इट्स अ ट्रीट फॉर एनी आर्टिस्ट. और वो इसलिए इतना फोकस करते हैं इस बात पे कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो, बिकॉज नदीम बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी करते हैं इस बात को कि वो डायलॉग्स लिखे ऐसे होते हैं कि उसमें आपको एक्सप्रेशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि द डायलॉग्स आर देमसेल्व्स सो होलसम एंड मीनिंगफुल. तो एक्सप्रेशन डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. आई थिंक यही इसकी ब्यूटी है हमारे इस वाली स्टोरी की. 123वां बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाज के साथ. नदीम बेग इज ऑब्वियसली, इट फील्स लाइक कमिंग बैक होम व्हेन आई एम वर्किंग विद नदीम. सो एक कंफर्ट लेवल है, एक 10-12 साल का हमारा साथ एक टीम वर्क हम कर चुके हैं. सो माशाल्लाह इट वॉज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस. एंड क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन है तो बहुत दिन नहीं थे, एक्सटेंसिव शूटिंग नहीं थी जैसे यूजली फिल्म की होती है, तो कम वक्त में इतना अच्छा काम करके एज एन आर्टिस्ट मुझे बड़ा मज़ा आया. और वो कहानी इतनी खूबसूरत है और उसमें जो इमोशंस हैं, जो डायलॉग्स हैं, जो दोनों की जर्नी है, टू स्ट्रेंजर्स हु मीट ऑन अ ट्रेन राइड, तो ये मुझे लगता है ऑडियंसिस को के दिल को बहुत छुएगी और हमें शूट करते हुए बड़ा मज़ा आया. होप लोगों को भी देखने में मज़ा आया. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर आई कम टू यू, क्योंकि मैंने आपकी जो पार्ट ऑफ द मूवी है उसकी लोकेशन पे आपसे पूछना था, क्योंकि आप लोगों की लोकेशन थी ही ट्रेन. तो इतनी देर ट्रेन में शूट करना,
वो चल रही थी ट्रेन, रुकी हुई थी, मतलब शूट करते करते मुझसे बाहर तो नहीं निकल गया। कौन से स्टेशन पे? शमसी पे? शमसी स्टेशन पे? शमसी स्टेशन कराची में स्टूडियो है। अच्छा, मुझे वाकई लगा कुछ स्टेशन है। ट्रेन वहां पे रुकी हुई थी, नहीं ट्रेन के थे, एक्सटीरियर शूट भी किया था हमने, कैंट पे किया वो कुछ सीन्स थे जिसमें बहाज को ऐसे वो शाहरुख खान की तरह दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की तरह सिमरन, इसमें बहाज, हाँ और बहाज बस सिमरन, वो काजोल बने हुए थे, काजोल थे और उस एक्सप्रेशन भी बड़े काजोल की तरह यही वाला। सो उसमें जो है ना वो ट्रेन जो कोऑर्डिनेशन थी कि ट्रेन को चलना था और रनिंग ट्रेन में मैंने चढ़ना था एंड देन फॉर सम रीजन ही हैज टू कैच अप, तो उस सीन के चक्कर में ट्रेन बहुत स्लो जा रही थी तो उन्होंने कहा ट्रेन स्लो है, तेज करें, फास्ट करें, तो फिर हमने वो सीन किया। नहीं 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 सही नहीं हुआ, नहीं चप्पल, चप्पल में और साड़ी, और साड़ी मैंने पहली बार पहनी है जो कि आई वाज वेरी यू नो आई वाज जस्ट गेटिंग यूज्ड टू इट, मुझे आदत नहीं कभी साड़ी नहीं पहनी। सो अगली टेक में ये हुआ कि शुरू में स्लो हुई और आगे जाके तेज हो गई, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें इस मोमेंट पे तेज चाहिए ट्रेन, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन लिया और पता नहीं कौन सा गियर लगाया और फिर फास्ट एक्स 1 डीजल बनते हैं हम, तो हम नॉर्मल जिस तरह हम हर दफा टेक कर रहे थे, मैं जैसे ही चढ़ी हूँ ना ट्रेन पे तो आई बेयरली मेड, लाइक मैं बड़ी मुश्किल से चढ़ी और जो अंदर क्रू था वो देख के उनकी भी ना सांसें ही अटकी हुई थी कि इतनी तेज चल पड़ी है ट्रेन। अच्छा मैं तो चढ़ गई हूँ, पीछे से वहाज को कैचअप करना है और वो अपने टाइम जो मोमेंट था कि यूं करके आ रहे हैं और पे करके निकल रहा है एंड देन एंड वो वाले एक्सप्रेशन ही रियल में वो देन ही रैन, और जिस तरह मुझे था कि अब ये पकड़ के चढ़ना है, अल्लाह ना करे इतनी तेज चल गई थी, बट वी डिड द शॉट एंड वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी ट्रबल वो हो गया, बट इस तरह के रिस्क भी हो जाते हैं कभी शूट पे। लेकिन लाइफ में तो आपको पता है फिर मजा ही था जब रिस्क हो, बिगर द रिस्क बिगर द प्रॉफिट्स। आप लोगों का जो पार्ट ऑफ द मूवी, आप लोगों की लोकेशन ज्यादातर क्या थी? हमारी घर की थी और हमने एक जगह जो डांस का था वो तो हमारा शमसी मार्की हॉल। अच्छा, शमसी वो ट्रेन थी? शमसी मार्की हॉल है। लेकिन जो शमसी वालों को लगता है बिल भिजवाना पड़ेगा, वैसे वाकई शमसी वालों की भी काफी प्रमोशन हो गई है शमसी। लेकिन हमारी अच्छी इजी गोइंग लोकेशन थी, घर की थी और बहुत प्यारे प्यारे घर दिखाए आपने देखा होगा ट्रेलर में, और एक एक स्टूडियो भी है जिसमें मैं माइक के साथ खड़ी हुई हूँ, तो वो आर्ट्स काउंसिल है, अच्छी गर्मी को गर्मी को बीट करने वाली लोकेशन। वेरी गुड, बट ओवरऑल यू एंजॉयड द जर्नी? ऑफ कोर्स, मेरे लिए ना जर्नी मैटर्स अ लॉट, ये जो सफर था शूट का, बिल्कुल यू गाइस आर हैप्पी अबाउट दैट। या मेरे लिए व्हाट मैटर्स इज माय, मतलब जिन लोगों के साथ शूट कर रही थी, मतलब सब लोग एवरीबॉडी वी वर ऑन द सेम वाइब, हम सिंक थे सब लोग, और वो 6 दिन की शूट थी बट अच्छे से गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, जब कोई सफर अच्छा गुजरे तो सफर के बाद भी इंसान उसको अच्छे से याद करता है और उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है और आप कहती हो क्या बात है, फाइनेंस की डिग्री की है शहरयार भाई ने। मुल्क की हालातों का क्या करें, ये फाइनेंशियल मुल्क के हालात किस तरह ठीक करें आप? मुल्क के हालात फाइनेंस की डिग्री नहीं हल कर पाएगी। फिर कौन सी डिग्री करें? चूने की डिग्री करें? वो जो डिग्री करेगी वो डिस्कस करने वाला ये शो नहीं है, वो शो नहीं। ये वो शो नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने भी और जैसे आप भी मेरी तरह मेरी वाली कश्ती में सवार हैं आप। Absolutely. आप अभी बता रहे थे कि आप भी अभी मास्टर्स करने के बाद भी आपको ये काम वापस खींच लाया। बिल्कुल, सो बस यही था, डिग्री मैंने फाइनेंस में की लेकिन शौक ये था तो बस यहीं पे है। वेरी गुड, बट आई थिंक इसका फ़ायदा होता है, जैसे आपने भी डिग्रियाँ की हुई हैं, आई थिंक डिग्री लेने का फ़ायदा होता है। अक्सर एक अच्छा एक नैरेटिव शुरू हो गया आजकल कि पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं, चला है ना आजकल ये, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे यही चीज़ बेची जा रही है। बट जो आप सब देख रहे हैं मैं आपको बोलूँगा इसको ज़्यादा ना सुने, पढ़ाई फिर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इंसान को, आप उस डिग्री से कुछ करें ना करें वो आपको एक मुकम्मल इंसान बनाती है। तो ये जो इंस्टाग्राम वाले नुस्खे आते हैं उन पर ज़्यादा गौर मत कीजिएगा आप सर, आई थिंक सर यूनिवर्सिटी के बच्चे, अभी आपसे बात हुई थी, तो प्लीज़ ठीक ठाक पढ़ाई कीजिएगा। उसके बाद आप मेरी तरह ये काम भी कर सकते हैं। एक और चीज़ भी तो कहते हैं, डिग्री तो डिग्री होती है, जाली हो या असली। तालियां। शो को बिल्कुल बोरिंग बनाए बगैर मैं अपना भी पर्सपेक्टिव इस पे शेयर कर दूं। इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की कि डिग्री
आपको बहुत सी चीज़ें सिखाती है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई डिड कंप्यूटर साइंस फॉर माय अंडरग्रेड, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी. बट मैंने रियलाइज़ किया कि प्रोग्रामिंग के अलावा मुझे उससे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वर्किंग अंडर प्रेशर, ये वाले स्किल्स आते हैं. तो आप एक कंप्लीट ह्यूमन बन रहे होते हो. बट डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ इज नॉट द मोटिवेटेड वर्जन, इट्स द डिसिप्लिन वर्जन, पहली बात. लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि हाँ, अब सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा आ गई है. इस बात में कोई शक नहीं है कि ओवरऑल दुनिया में जो डिग्री का कॉन्सेप्ट है वो ट्रेंड बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है. वाई? क्योंकि सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई है इंटरनेट के थ्रू. अक्सर कंपनीज कहती है हम आपको ऑन जॉब पढ़ा देंगे. यूके के अंदर अप्रेंटिसशिप, जो अक्सर यहाँ नहीं कहते छोटे को दुकान पर छोड़ो काम सीख लेगा, अप्रेंटिसशिप का कॉन्सेप्ट बहुत इंक्रीज हो रहा है. तो डिफरेंट परस्पेक्टिव हैं. हम रमशा जी से सवाल करेंगे. गेम्स का बहुत शौक है जी, गेमें खेलने का बहुत शौक है आपको. तो अगर आप एक्टर ना होती तो गेम डेवलपर होती प्रोबेबली. अच्छा जी, जी. तो ये शौक कैसे गेम डेवलपर या तो वो जो लोग हैं जो टेस्ट करते हैं, गेम टेस्टर्स. गेम टेस्टर्स जी जी 100%. क्योंकि या तो मैं सेट पे होती हूँ या तो मैं घर पे. बहुत बुरी एडिक्शन है. कौन सी गेम्स खेलते हैं जरा बताएं ना हमारी आवाम को. मैं बहुत अरसे से खेल रही हूँ. नहीं नहीं नहीं, वो फोन वाली है ना. नहीं, मैं कंसोल गेमिंग की बात कर रही हूँ. अच्छा, प्रॉपर. जी जी, मैं 5 साल से एडिक्शन है मुझे फाइनल फैंटेसी 14 की. तो आप सेट पर लेके जाती हैं गेम्स अपनी साथ? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे अलग गेम्स खेलती है. नहीं, वो गेम्स नहीं खेलना आती मुझे. अरे बताएं, मैं तो अच्छी गेम्स की बात कर रहा था. जैसे कि मतलब बीच बीच में आप मतलब रमी शमी खेल ले, उनो खेल ले. नहीं नहीं, वो वाली गेम्स से खेलने आती हूं. पतंग कर रहा हूं तो. लेकिन एक्चुअली मैं, लेट मी जस्ट करेक्ट ओवर हियर, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं आपके साथ काम कर रहा था और मुझे बहुत मजा आया बिकॉज़ आई थिंक ये बहुत शॉर्ट पीरियड था और उसमें आते साथ ही वी वर थ्रोन इनटू द you know the into the fire straight. Yes. Aur Ramesh is very positive on set and jo jitni garmi thi wahan pe aur jis tarike se hum scenes kar rahe the, it would not have been possible. Jo unhone pehle kaha tha ki journey matter karti hai. Bilkul. So I had a lot of fun working with Ramesh. Thank you so much. Likewise, honestly, main to aisi hu ki mujhe main ghabra jaati hu. And he was like, it's okay, garmi hai but you're doing good. Everybody was, eventually they're like, back up, like sub set. तो that was fun. क्या बात है, कितना प्यारा मैसेज है इसके अंदर कि अगर आपके इर्द गिर्द सपोर्ट करने वाले लोग हों तो बस फिर आपको किसी की क्या जरूरत. एम ही नहीं कहते, 1 और 11 होते हैं. तो शहरी यार भाई के लिए तालियां जिन्होंने इनको एक अच्छा पॉजिटिव माहौल दिया सेट पर. महवेश जी, आप ये बताएं कि 5 साल 2016 में आपने आखिरी ड्रामा किया था. Yes. इतना क्यों हमारे लोगों को वेट करवा रही हैं आप? क्या आपने परमानेंट बाय बाय कर दिया ड्रामा इंडस्ट्री को? अब हम पूछना चाहती है, बताएं ये प्लीज. नहीं, व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू डूइंग दिस? नहीं, इन इट्स तो ड्यूरेशन है. 2016 से 23 कितना बन गया? 6 साल 7 साल? नहीं, 6 और 7 7 साल. 7 साल पूरे नहीं हुए अभी. 7 साल में से 2 साल तो कोविड के निकाल दिए. बिल्कुल. चले ठीक है, 7 महीने तो 5 हो गया. मुझे लगता है हमारी उम्रों से भी निकाल देना चाहिए. हमारी जिंदगियों से कोविड के 2 साल, मेरे को वापस चाहिए 2 साल. बट ड्रामा के स्क्रिप्ट्स इतने कोई मजे के नहीं नजर आए काफी टाइम से. देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ गुड कंटेंट एंड गुड स्क्रिप्ट्स. और क्योंकि जो मैंने शुरू में फिल्म से पहले तो आई यूज्ड टू डू ड्रामाज ओनली. तो फॉर 5 ईयर्स आई वॉज डूइंग ड्रामा सीरियल्स. तो उस टाइम भी मैंने ऐसे रोल्स ही चूज किए जिसमें कोई मैसेज हो, कोई विमेन एम्पावरमेंट हो, कोई उसमें जुल्म वाले भी किए जिसमें रोती धोती बन गई. बट बिन देयर डन दैट. मैं कभी भी एक चीज़ कर लूँ, एक टाइप का कैरेक्टर कर लूँ, मैं रिपीट नहीं कर सकती. एंड हमारे यहाँ एक ये चीज़ बहुत है कि आप अगर आप नेगेटिव रोल करते हैं आपको एकदम से सारे नेगेटिव रोल्स ऑफर होंगे. आप कोई बिचारी का रोल करते हैं, सब आपको बिचारी के रोल टाइप कास्टेड हो जाते हैं. सो वहीं पर ऑप्शन मेरे काफ़ी कम हो जाते हैं कि आई डोंट वॉन्ट टू डू मोनोटोनस स्क्रिप्ट. फिर द क्वालिटी ऑफ स्क्रिप्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर आपको आदत होगी खलील साहब की स्क्रिप्ट की और नदीम बे की डायरेक्शन की. हाँ, वो दिल और दिमाग अटकता नहीं है आपके. मैं आई एम स्पॉइल्ड बेसिकली. मतलब खलील साहब की स्क्रिप्ट होगी तो आप करेंगी? नहीं, कोई अच्छी दिल लगी वाज रिटन बाय फायजा इफ्तिखार एक्चुअली. एंड फायजा ने बहुत खूबसूरत लिखा है एंड शी इज ब्रिलियंट. और उनका स्क्रिप्ट और अच्छा हो तो क्यों नहीं. सनम इतना अच्छा लिखती हैं, सनम के स्क्रिप्ट बहुत अच्छे लिखते हैं. तो आई एम रीडिंग अ फ्यू स्क्रिप्ट्स एंड होपफुली ये इंतजार खत्म होने वाला है. इस साल हो जाएगा खत्म, साल के एंड में. हाँ, और एक दूसरी चीज़ ये कि मैं ड्रामों की शूट गर्मियों में तो कभी नहीं कर सकती. नहीं, ये वाला काम पहले हो गया, कर लिया. अब वो वाली पेशेंस नहीं रही, अब वो वाली जो है ना, वो क्योंकि ड्रामों पे एक और चक्कर होता है
एक टेक्निकल बात आप जानते होंगे, सबको बताते हैं। नहीं सर, मैं तो सीख रहा हूँ। नहीं आप जानते होंगे, माशाल्लाह आपने ड्रामे किए हुए हैं। सो ड्रामों पे सिंग साउंड होता है, ड्रामों पे डबिंग नहीं होती, जिसका मतलब ये है कि पंखे ऑफ होते हैं और एसी ऑफ होते हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। अगर कोई गलती से सेट पे कोई कदम की आवाज, कोई फोन की आवाज, वो बार बार आपको रीटेक्स भी करे। और आपको जो वो ड्रामों में वो दिखा रहे होते हैं ना कि वो टर्न किया हीरोइन ने और हवा चल रही है, असल में वो हवा नहीं चल रही होती, स्टिल फैन होता है। तो वो एक्सप्रेशन लाना उस गर्मी में, एक आई थिंक आधी 90% एक्टिंग तो ये होती है। तो इसलिए मैं फिर सर्दी के एक 4 महीने जो आते हैं कराची में, उसमें से ही कोशिश करूंगी कि सर्दी में करूं शूट। सो एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह। ब्रेकिंग न्यूज़ आज हमें मिल गई है कि महविश हयात एंड ऑफ द ईयर पे, जो आप पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी क्या पूरी दुनिया की अवाम का जो वेट था कि हम इनको किसी अच्छे से ड्रामे में देखें, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप प्लीज़ रेडी हो जाए, बहुत फनकी चाहिए, कॉन्वर्टिबिलिटी न्यूज़ देती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपको लग रहा है शो ख़त्म हो गया तो नहीं, ब्रेक का टाइम हो गया, तो छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। तो बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल ऑफ स्क्रीन भी इतने मजे मजे की। आई वाज इन लाफ्टर्स, दीस गाइस आर अमेजिंग सोल्स एंड आई एम एक्चुअली मीटिंग यू टू फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इट फील्स लाइक वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम एजेस। एंड महविश जी को तो आई हैव मेट, ये लंदन आई थी जब मैं यूनिवर्सिटी में था, हमने इनको इनवाइट किया था काफी साल पहले, एंड द स्टूडेंट्स लव्ड यू देयर, यू आर वेरी आर्टिकुलेट, और इतनी अच्छी हमें वाइब मिली थी। तो इतने सालों बाद फिर से, पहले भी मुलाकात हुई है लेकिन प्रॉपर मुलाकात तब हुई थी, और मजे की बात आप लोगों को बताऊं, मैंने तब भी वो इवेंट होस्ट किया था। जी, आई वाज देयर फॉर अ स्पीच और ये वहाँ पे मॉडरेट कर रहे थे एंड होस्ट कर रहे थे, एंड उस टाइम भी इनकी एनर्जी इतनी ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रीफाइंग थी, और वो चीज़ अभी भी है। एंड उस वक्त उन्होंने पूछा था शाहरुख खान के स्टाइल में कि क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ। तो मैंने कहा था जरासीम पूरे हैं, बन जाओगे। और देखिए, एंड लुक, माशाल्लाह ही इज डूइंग सो वेल। तो आप जरासीम की अच्छी पहचान रखती हैं, मतलब नहीं, जिंदगी में नजर आते होंगे ना आपको काफी अलग अलग किस्म के, कुछ बैक्टीरिया अच्छा भी होता है, लेकिन सैनिटाइज कर लेना चाहिए, ये भी सही है। शुरू में अगर कोई बैक्टीरिया अच्छा लगे तो थोड़ी देर बाद उसको सैनिटाइज करके जिंदगी से निकाल दो। 99.9% जो साफ हो जाता है ना, 0.01% जो है उससे बच के रहना चाहिए आपको, वो नहीं हटता। हमारा इशारा किसकी तरफ है? एक सेकंड शरियार भाई, ये आपका इशारा, ये कौन से बैक्टीरिया की तरफ है? मैं तो ऐसी ही बात कर रहा हूं, मैं तो हाइजीन की बात कर रहा हूं। हाइजीन वाइज हमें जो है ना बड़ा ख्याल रखना चाहिए, कुछ इमोशनल बैक्टीरिया भी बंदे की जिंदगी बंदे को हिला के रख देता है। ये हो गया हद कर दी, इमोशनल हद कर दी विद मोमिन साकिब आज। बट खैर यार, अनिल कपूर की कॉल आई और मूवी रिजेक्ट कर दी। अरे भाई, ये कहाँ से कैसे हुआ है? ये कहाँ से आप बताएं। ये जहाँ पे पहली दफा पूछा भी गया था ना, वो ऐसे ऐसे करके बहुत पूछा गया था, बट इट वॉज हाँ, आई थिंक मैंने ऐसे मूवी रिजेक्ट नहीं की थी। मुझे लगा था कि उस वक्त बहुत मेरिट पे रोल रिजेक्ट किया था। ये नहीं था, मैं एक अदाकार हूँ, मुझे कहीं से भी कोई प्रोजेक्ट आएगा जो मज़े का होगा, जो इंटरेस्टिंग होगा, जो मुझे अदाकारी अच्छी करने देगा। सो मैंने उसको बहुत मेरिट पे मना किया था। रिजेक्ट इज नहीं, वो वाली बात है, मैंने कहा था कि शायद मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद मुझे लगा कि मैं अपनी वालदा के साथ बैठ के नहीं देख पाऊँ। सो मुझे जनरली बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, ऐसे लगता है कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी इजाज़त मेरी वालदा से मुझे मिली हो, या मेरी फैमिली के, या होलसम हो। सो वो था, बट मेरे लिए फ़ैन मोमेंट था, बिकॉज मुझे अभी भी याद है, मैं ख्याबान शुजात पे गाड़ी चला रहा था, फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था, एनी कॉल्ड इज लाइक हेलो इज द शरियार, इज अनिल, अनिल अनिल कपूर, कुछ किया जो आपको बाद में फील हुआ कि I shouldn't have done this? बहुत दफा अक्सर होता है, जैसे कि as an actor काफी दफा ऐसे होता है, आई थिंक डाउट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन एक्टर्स लाइफ। वो जो सेल्फ डाउट है ना, वो तो हमेशा रहता है। मैंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी कहीं पे, वो मैं पूरी नहीं कोट करूँगा, बहुत लंबी है,
बट उसमें यही कहा था कि वो एक राइटर होता है, वो कोट कर रहा था अपनी अपनी सिग्निफिकेंट अदर से डिस्कशन एंड ही रिटन अबाउट दैट. वो कह रहा था कि मैं यू नो मैं कह रहा था कि मुझे उन चीज़ों के लिए तारीफ़ें मिली जिसके लिए मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था, और जिनके लिए मैं एक्सपेक्टेशन रखता था उसके लिए मुझे कोई तारीफ़ नहीं मिली. और अभी भी जब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं तो मुझे खुशी नहीं होती, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ करना था और नहीं किया. और ये कब जाएगा मेरे अंदर से, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है. तो उसकी जो सिग्निफिकेंट आदत थी, उसने कहा कि ये यही तो खूबसूरती है इस काम की, कि वो जो आपके अंदर सुकून नहीं है, वही आपकी जो फीलिंग है, वही आपको रोज जगाती है, वही आपको भेजती है काम पे. जिस दिन आपको खुशी मिल गई, उस दिन आप सुबह उठना बंद कर दोगे, काम पे जाना बंद कर दोगे. सो एंजॉय. तो इसी बात से मैं और चीज कहना चाहूंगा इससे लिंक करके, कि अक्सर अपॉर्चुनिटी उस दरवाजे के पीछे होती है जिसको आपने खटकाया ही नहीं होता. आप किसी और दरवाजे पर टक 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 लगे होते, आपको पता नहीं होता अपॉर्चुनिटी ने अपॉर्चुनिटी वहां पे. और इसलिए तारीफ उन चीजों के लिए मिली जिनके लिए एक्सपेक्ट की नहीं थी, जिनके लिए एक्सपेक्ट की थी उनके लिए मिली नहीं, उसके लिए मिली. तालियां बजाएंगे. शो का सिलसिला इसी आगे. मोहित, मुझे आपकी अच्छी बात ही लगती है, यूजुअली शोज में ना अप्लॉज का बटन होता है, आपने वो बटन हटाया हुआ है, आपने खुद अपने हाथ में रखा हुआ है. तालियां बजा जी. मैंने अपनी ऑडियंस को पहले बोला था, अपनी जो शिप के कप्तान है तुमने खुद बनना है, अपनी खुशी की चाबी किसी की जेब में नहीं डालनी. ठीक है, इफ आई एम एक्सपेक्टिंग अप्लॉज आई वुड रादर आस्क यू फॉर इट, एंड इफ आई लाइक योर पिक्चर इट मींस आई लाइक योर पिक्चर, इसलिए आई लाइक माय ओन पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम आल्सो बिकॉज़ आई लाइक. ओके, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, यू शुड ओन योरसेल्फ एज़ लॉन्ग एज़ यू आर नॉट हर्टिंग एनीवन. ठीक है, शो का नहीं नहीं फेयर इनफ. शो का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं, और मैं चाहूंगा हम थोड़े से ऑडियंस क्वेश्चंस ले लें अगर आप लोगों की इजाजत हो. जी सर. नहीं, मैं नहीं इजाजत दे रही. इनकी इजाजत नहीं है तो ऑडियंस थोड़ा सा. अरे भाई, ये तो आपको देखिए, किसी भी कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसेंट इस पे जरा बात करते हैं. सीनाओं का कंसेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप पहले इजाजत लें, मनाएं इनको. चले अभी मोमेंट मनाएंगे और रमशा जो है डिसाइड करेंगी कि वो इजाजत देती है नहीं. मोमेंट बड़े प्यार के तरीके से आपने कोई अदा के साथ मनाना है. मैं 1 2 3 एक्शन बोलूंगा और आप पे कैमरा आएगा. 3 2 1 एक्शन. रमशा, ये जो खुशी, ये जो सक्सेस, ये जो जिंदगी आजकल आप इंजॉय कर रही हैं, इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज यू आर वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल, बड़ी अच्छी इंसान है, लेकिन इन लोगों की मोहब्बत. अब घोड़ा आ गया अचानक आपके नीचे, अब घोड़े चलाते हुए आप कह रहे हैं कंप्लीट ये रमशा. चलो इनसे सवाल लेंगे, इनके सवालों का जवाब देंगे, ताकि इनकी जो आपके लिए मोहब्बत. विलन खड़ा है, गोली चलाई रास्ते में, आपको ये गोली चलाई, बड़ा स्टार बना दे. Well done. Well done. आप तो दे दो इजाजत. दे दी. Sold. Well done, Mohan. Well done. Thank you. हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे. आपके फेवरेट सितारे आपके सामने, इनकी एक बड़ी ही अच्छी बड़ी कमाल मूवी, बल्कि जिस तरह की इन्होंने आपको बताया, 3 मूवीज कंबाइन होकर एक मूवी आ रही है, ताकि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल जाए, क्योंकि हालात सबके खराब है, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट चल रही है. तो तुझे जाके देखो, इस मोमेंट में आपको हंसना खेलना है. जितनी मुझे अपनी लुक मैटर करती है, उतनी आपकी भी करती है. तो अपने आपको सेट पेट कर लें. अगर आपने अपनी लुक सेट करनी है, कैमरा आपकी तरफ आएगा, आपका पप्पू सा फ्रेम बनेगा, एंड देन हम आपसे लेंगे सवाल. प्लीज शुरू करें. जी अस्सलाम वालेकुम. क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? माइक थोड़ा करीब कर लेंगे? मेरा नाम अतिया है. अतिया, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ. क्या पढ़ रही हैं? मैं बीएस केमिस्ट्री कर रही हूं. केमिस्ट्री कर रही हैं? अरे मुझे बिल्कुल भी केमिस्ट्री के बारे में कुछ खास नहीं पता. किससे सवाल पूछना चाहेंगी? मेरा क्वेश्चन रमशा मैम से है. आपने सिन्फ आहन किया, उसमें आपने परिवेश का करेक्टर किया, तो उसका आपने एक्सेंट किस तरह जनरेट किया? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, आप कैसे? माशाल्लाह, रहमतों का सिलसिला. आपने रहमत भेजी, आपने उनको रहमत भेजी, माशाल्लाह. दुआ करा दें. बड़ा अच्छा लगा. हाँ, जनरेट किया आपने. 2 लीटर डीजल लग गया. कैसे जनरेट किया? नहीं, इन्होंने कहा था कि उनको सल्यूट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने अपने फादर से हेल्प ली. तो क्या आपने भी किसी से इस तरह? नहीं, बिल्कुल. असल में जो मेरे अम्मी और अबू का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो एक्चुअली बलोची भी हैं और वो एक्टर्स भी हैं. तो उनके साथ वैसे ही मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, और थोड़ी सी मतलब उनके थ्रू मैंने फिर एक्सेंट उनका कैच किया. तो शूट से पहले मैं उनके साथ बकायदा हम लोग बैठ के कुछ 3-4 घंटे बातें करते थे, और मैं अगर ऊंची शूट में उनसे पूछती थी हर टेक के बाद कि मैंने ठीक बोला. और आई थिंक वो ब्रावी थे. मैं उनसे ब्रावी में ही बात करता था. या तो कुछ वर्ड्स मैंने ब्रावी में सीखे. ब्रावी में? सो वो जो साहब थे, जो इनके बड़े ज़बरदस्त अदाकार थे, सो उनसे मुझे बड़ा मज़ा आता था. रावी बहुत मीठी ज़ुबान है, उसमें एक सिंग सॉन्गनेस भी है, कि मैं अगर आपसे पूछूँ ना आप कैसे ना पूछूँगा अमरोस जोड़ूस. सो उसमें एक बड़ा सिंग सॉन्गनेस भी है.
अंत के सर कप अंधुन, तो उसमें कि क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करो, उसमें एक बहुत यू नो रोमांस है, बहुत एक्चुअली सॉफ्ट स्पोकन. अल्लाह हाफिज़ को क्या कहते हैं, अल्लाह, ये मैंने एक वर्ड सीखा था, कौन सा वाला, खुदा हाफिज़ को, खुदा हाफिज़ अल्लाह सम, नो देयर्स दिस बाहर में बहुत गर्मी है, इस पे कुछ बोल के दिखाए ना, देखना वो कितना मीठा लगता है मुझे भाई, बास 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 नहीं है रे दाड़े भाई, बास बास सेम टू यू, सेम टू यू. अच्छा थैंक यू, जवाब मिल गया आपको, आपने बड़ा अच्छा किया था रमशा, आपने बहुत अच्छा एक्सेंट. थैंक यू सो मच, मतलब मुझे बहुत लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि मतलब आपने हम मतलब बलोचिस्तान को OTT नहीं किया था, आपने बहुत कम अल्फाज वर्ड्स चूज किए थे जिन पे आप स्ट्रेस करती थी, एंड दैट वाज वेरी नाइसली डन. थैंक यू सो मच, दैट मींस अ लॉट एक्चुअली. थैंक यू. अरे माशाल्लाह, आप दोनों को देखकर तो दिल चाह रहा है सदका दे दूं, आप उनकी तारीफ करते हैं बहुत से, इतने प्यार से थैंक यू, रो लें थोड़ा, इमोशनल मोमेंट हो गया. वेरी गुड. ईद है, लोग मसरूफ होंगे डिफरेंट चीज़ों में, रान बोटियाँ हैं, मटन कढ़ाई वगैरह चल रही होगी, तो आपको एक छोटी सी ब्रेक हम लेने देंगे, आप इस तरह जाकर इस तरह कहीं मत जाइएगा. कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स आके. वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे. शो को आगे लेकर चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं पहले से ठीक हूँ. मेरा नाम रिदा है. रिदा क्या करती हैं आप? नमल यूनिवर्सिटी में मैथ्स कॉम कर रही हूं मैं. वेरी गुड, एंजॉय कर रही हैं, मेमोरीज बना रही हैं, बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ अच्छी लगती है आपको? चीटिंग करती हैं? बिल्कुल. अच्छा वेरी गुड, मजाक कर. अच्छा सवाल किससे पूछेंगी? मेरा क्वेश्चन शहरयार सर से है कि आपने फिल्म की थी सात दिन मोहब्बत इन, तो सात दिन मोहब्बत इन, वेरी गुड, वो आपकी मूवी थी, और उसके उससे रेलिवेंट है कि आपको जिस तरह सात दिन मोहब्बत इन में जिस तरह से आपका कैरेक्टर दिखाया गया था कि टीपू लवली और मतलब थोड़ा इमोशनली भी कि आप डीपली लव में इस तरह से कैरेक्टर आपको दिया गया था, तो क्या रियल लाइफ में भी आप आपको किसी लड़की से कोई इस तरह से डीपली लव? कहाँ से पकड़ने की कोशिश की है, तालियां इनके लिए, क्या बात है, होस्ट का काम कर दिया. नहीं मैं बिल्कुल टीपू की तरह मोहब्बत नहीं करता. फिर कैसी करते वो टीपू? टीपू जिस तरह की मोहब्बत करता था वैसी वो मेरा स्टाइल नहीं है मोहब्बत करने का. स्टाइल क्या है? मेरा स्टाइल वैसे जर्नी में बहुत मोहब्बती इंसान हूँ मैं, मुझे मोहब्बत बांटने में बड़ा मज़ा आता है, दोस्तों में भी मोहब्बत बांटता हूँ, मैं काम भी करता हूँ तो वो भी मोहब्बत से करता हूँ, मैं जो चीज़ करता हूँ मोहब्बत से करता हूँ, कपड़े भी पहनता हूँ तो मेरा बड़ा तरीका होता है. रोमांस जिंदगी में होना चाहिए, रोमांस सिर्फ एक इंसान से नहीं किया जाता, रोमांस जिंदगी से किया जाता है. आप सुबह उठें तो आपके साथ फूल पड़े हों, आप फूलों की खुशबू से उठें, सो मैं बड़ा उस तरीके का पोएट्रिक किस्म का, तो मैं रोमांस में भी वो पोएट्री ढूंढता हूँ. तो ये है, तो जिंदगी में अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रही हैं कि अभी ऐसा चल रहा है कि नहीं रोमांस, तो वो अभी तो ऐसा नहीं चल रहा, बट चले साथ मिलके बाजमा दुआ करते हैं कि जल्दी दुआ करेंगे इतनी जिंदगी में कोई ना कोई मोहब्बत आ जाए, और जितने ये माशाल्लाह पोएट्री का इनको शौक है ये तो खाना ला दो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? कशफ. कशफ बहुत प्यार. कशफ का मतलब क्या? कशफ अपीयर, जाहिर होना. जाहिर होना. कशफ, आज आप इस शो में कशफ हो गई. क्या बात है, महविश जी भी कशफ हो गई हैं. क्या करती हैं आप? मैं साइकोलॉजी पढ़ी हूँ नमल यूनिवर्सिटी से. आपको तो बहुत लोग तंग करते होंगे, बताओ बताओ मेरे माइंड में क्या चल रहा है. ये अक्सर लोग करते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट मिल जाना. खैर सवाल लाई हैं आप आज. जी ठीक है, थैंक यू. मुझे जी मेरा क्वेश्चन शहरयार सर से है. मेरा ये क्वेश्चन है कि इफ यू हैव टू चेंज एनी ऑफ टू थिंग्स फ्रॉम आवर कंट्री, व्हाट इट विल बी? अ कंट्री या आवर कंट्री? Our country. हमारी country से. मैंने कहा कोई बात. If I have to change any two things about Pakistan, what would it be? I would first change this attitude of saying के बस ऐसे ही चलता है. For example, आप कुछ गलत काम करें सिग्नल तोड़ने तो आप कहें तो भाई यार ये तो चलता है. तो ये जो चलता है ना, ये वाला मैं attitude ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है छोटी सी changes से ही बड़े changes आते हैं. So एक ये, और दूसरा मैं ownership लाना चाहूँगा. हम ओन नहीं करते चीज़ों को. कोई गलती होती है हम हमेशा एक्सक्यूज़ देते हैं कि उसकी वजह से. तो अपनी गलतियों को भी ओन करें, और फिर साथ में अपने सक्सेसेस को भी ओन करें. मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ गलतियों को ओन करें, आपसे कोई अच्छी चीज़ होती है उसको सेलिब्रेट भी करें, यार ये किया है या उसने किया है. तो आई थिंक ये दो चीज़ें मैं चेंज करना चाहूँगा. तालियाँ बजाएं इनके लिए, कितने माशाल्लाह
इनको तो मुल्क की सियासत में होना चाहिए. मैं कहना चाहूँगा कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इनको अपना पार्टी का हिस्सेदार बनाना चाहती है तो बनाए. कितने प्यार से इन्होंने बात कर दी कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट एंड ब्लेम गेम को करना छोड़ें. मैं तू नहीं तू. अस्सलामुअलैकुम. क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन है. वेरी गुड जैन. क्या करते हैं? मैं नवल यूनिवर्सिटी से मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज का स्टूडेंट हूँ. तो मेरा क्वेश्चन है मैम मैविश के लिए, मैंने आपसे असल में ये पूछना है कि अगर आपको कोई हॉलीवुड से कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो क्या आप पाकिस्तान को छोड़ना प्रेफर करेंगे जिस तरह के प्रियंका चोपड़ा ने किया, या फिर आपका ये इंसिस्ट करेंगे कि आपने पाकिस्तान में ही रहना है? एक तो ये कि मैं ऑलरेडी हॉलीवुड में काम कर चुकी हूँ विद द बिगेस्ट स्टूडियो दैट एग्जिस्ट विच इज़ मार्वल स्टूडियोज. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव और आपके सामने बैठी भी हूँ. तो कुछ कोई छोड़ के नहीं जा रही. ये मेरी रूट्स हैं, ये मेरा घर है, ये आप लोग मेरा यू विल ऑलवेज बी माई फर्स्ट लव. बट काम के लिए चाहे मुझे चीन जाना पड़े, चाहे मुझे हॉलीवुड जाना पड़े, मैं जाऊंगी, बट वापस मुझे लगता है मैं यहीं आऊँ. महवेश जी बस अपने अपने एसेट्स और प्रॉपर्टीज इधर रखें. ये हम गारंटी लेंगे. बताएं. हाँ. फ्लैट्स, प्रॉपर्टीज, एसेट्स, कैश ओनली इन पाकिस्तान. अच्छा. प्रॉमिस? प्रॉमिस. प्रॉमिस. तालिया. तो शो के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट है, जिसको हम कहते हैं लिपसिंग बैटल. अक्सर होता ही है कि गेस्ट्स टॉक शोज पर जाते हैं और वो चलते हैं क्योंकि पीपल वांट टू नो हु दे आर. क्योंकि जब आप उनको टीवी पे देखते हैं यू लाइक देम, आपकी एक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, यू वांट टू नो उनकी लाइफ में क्या, उनके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, वो क्या बातें करते हैं. इसी तरह वो ये भी जानना चाहते हैं कि जब हमारे फेवरेट स्टार का फेवरेट गाना लगता है तो वो इसको किस तरह गुनगुनाते हैं, किस तरह इन्जॉय करते हैं. तो हमारे इस सेगमेंट में हम अपने स्टार्स का कोई फेवरेट गाना लगाते हैं एंड ऑल वी वॉन्ट देम टू इज जस्ट लिप सिंक, इन्जॉय. यू डोंट हैव टू डांस, यू डोंट हैव टू इन्जॉय. देखिए देखिए नंबर वन इनकी एनर्जी, इनका इनकी जिंदा दिली, द वाइब, द एंटरटेनमेंट. तो मैं इस बात को लिंक करना चाहूंगा कि अगर इस तरह की आपको राइड वो पॉजिटिविटी चाहिए तो आप ये मूवी जाकर देखें. आपको इस मूवी में ये सब इमोशंस मिलेंगे. यू गेट टू सी देम डांस, यू गेट टू सी देम बीइंग हैप्पी, बीइंग सैड, बीइंग एंग्री, बीइंग रोमांटिक, बीइंग इन लव, बीइंग टेंस्ड, एवरीथिंग. भाई ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. इट्स हिज फेवरेट सॉन्ग. जब मिलते हैं हम इस गाने पे डांस करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. It's his favorite song actually. आप दोनों ने performance. And he remembers the choreography. I'm salute. भाई hats off. He actually did. But मैंने वो पूरा वाला नहीं किया. मैंने इसलिए नहीं किया. मैंने कहा आपको याद है शायद हमने किया था. हाँ. बड़े मजे का था. I think we performed on this as well. Yes, we. Oh yes, हमने दुबई में perform किया था. मैं तो wait कर रहा था कि आपको याद हो क्योंकि फिर उसके end में आप मेरी गोदी में थी. हाँ. He picks me up. Let's tell them exactly. ये इन्होंने मुझे यू करके उठा के स्विंग किया था स्टेज पे इन फ्रंट ऑफ लाइक 3000 पीपल.
तो क्या परफॉर्मेंस थी हमारे अभी तक चल रही है नहीं जब आपके यहाँ पे ये मैंने कहा घोड़े चढ़े वापस उठे बट यार आप लोगों ने एंजॉय किया बहुत दिस इज व्हाट मैटर्स इन लाइफ दे हैड अ गुड टाइम दिस इज व्हाई यू हैड अ गुड टाइम हमने देख के एंजॉय किया वाचिंग ऑनेस्टली अगला रमशा जी कौन सा गाना अब देखिए इन्होंने अगर इतना कर दिया आपको जरूरत नहीं है आप अपनी फिल्म का बता दें कोई कौन सा बताएं एक सेकंड नहीं जो आपको फेवरेट जो आपको अच्छा लगे आप अपनी तरफ से गजल लगवा लें मेरी तरफ से आपको ये देखा जो चेहरा तेरा जो मजबूत है आपको बताएं पंक 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 हाँ डू दैट अरे भाई आ जाओ पर वो भी हो जाएगी आ जा चले That's Ramsha Khan for you, ladies and gentlemen. Let's go, Ramsha. Come on, you can do it, Ramsha. Nike, just do it. McDonald's, I'm loving it. चले वहां मुड़ जा अगर हर कोई इतनी फ्रीली जिंदगी गुजारे इंटरनली और जो तुझे तंग करे उसे जुड़ जा उससे थोड़ा जा क्या बात है उसके पीछे पड़ जा यार वो कौन सा था शकरमंडा पे सब अगर हम एंड कर दें शकरमंडा पे सब एंड अगर आप लोग सब करेंगे साथ तो मैं सारे उठ के करेंगे शकरमंडा पे इनके साथ सारे उठ के लगाएं शकरमंडा पे एंड के Great energy for just making my show the best. अभी अगर आप गाना नहीं रोकते तो मैं सायरा और मायरा का स्टेप भी करूंगा। इसी बात पर ये तोड़ दो माइक और ये तालियां।
जी दोस्तों, शो का ये मज़ा और एंटरटेनमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ। रमशा को ईद की किसी दावत पे जाना था तो वो वहाँ चली गई, और हमने कहा है कोई दावत करे तो जाना ज़रूर है, जो मर्जी हो जाए। हम तो खुद ऐसा होस्ट का आपको मिलेगा जो खुद कहे कि यार नहीं नहीं तुम दावत पे जाओ। लेकिन महविस जी और शहरियार हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। महविस जी, साहिर भाई साहिर अली बग्गा मेरे शो पर आए और उन्होंने बड़ी आपके टैलेंट की तारीफ की कि वो कहते हैं कि आई थिंक महविस इज़ अ ग्रेट सिंगर। फिर मुझे ये भी पता है कि हनी सिंह आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं आपकी सिंगिंग के, आपने कोक स्टूडियो में काम किया, तो आपने कभी सोचा नहीं कि, मुझे पता आपने सिंगिंग किया, कि आप ज़्यादा सिंगिंग को आगे लेकर चलें और इस टैलेंट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें? नहीं, मैं कर रही हूँ एक्चुअली इस पे भी काम। मेरा ज़्यादातर वक्त जो है वो एक्टिंग में ही गुजर जाता है और निकल जाता है, बट अभी मैंने रिसेंटली एक ट्रैक रिकॉर्ड किया है मुस्तफ़ा जाहिद के साथ, एक ज़बरदस्त एक गाना है, डुएट है। कब आ रहा है? वेरी सून। नहीं तो यस, वो किया है, एक और ट्रैक पे काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द ईयर दो ट्रैक्स तो मेरे तरफ। बाय द एंड ऑफ द ईयर ड्रामे में भी आ रही हैं, हाँ। गाने भी आ रहे हैं। अब तो मुझे लगता है ये 2024 विल बी जस्ट 2024 विद महविस यार। माशाल्लाह, कोई एक लाइन उस गाने की? आप उस गाने की तो अभी नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव टू लॉन्च इट प्रॉपर्ली, लेकिन कोक स्टूडियो में जो किया था लोगों को पता होना चाहिए। कोई भी आपका फेवरेट गाना? हाँ, कोई भी आपका फेवरेट गाना? अल्लाह, अचानक स्पॉट पे डाल दिया। आई फिर प्राइस यू पे फॉर बीइंग अ पब्लिक फिगर, या एंड समवन हु कैन सिंग टू। एग्जैक्टली। अच्छा जी यार, कोई सजेशन दे दो। बुक स्टूडियो वाला आते हैं वो शुरू इस तरह होता है ना, चले कोई और पीरा हो आता है आपको? मुश्किल है, मुश्किल है ना। हां, चलो वो गा देती हूं ना, ऐ दिल बता रे। हां हां, ऐ दिल बता रे ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा हाथों से ना जा, तू जो चला रे रास्ता नया रे, खोया जो तू होगा मेरा क्या। थैंक यू, तालियां। इट्स नॉट नाइस, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। इसी के साथ एक छोटा सा सवाल कि हुमायूं भाई ने कहा था कि महविस हयात को शादी अगर करनी है तो पाकिस्तानी से नहीं, गोरे से करनी है। ये क्या यार, हमारे पाकिस्तानी लड़कों पे ऐसा क्या इशू है? ऐसी कोई बात नहीं, ये एक ऑनगोइंग जोक है जिस पे एक वो कहते हैं, मैं कहती हूँ कि यार देयर इज नथिंग रॉन्ग विद पाकिस्तानी मैन, इट्स जस्ट अ जोक, एंड विद बाय गोरा आई एक्चुअली से द गोरा मेंटालिटी विच इज मोर, क्या कहना चाहिए, दे आर मोर ओपन अंडरस्टैंडिंग, एंड जैसे जो मेरा काम है बीइंग इन द स्पॉटलाइट, बीइंग अ सेलिब्रिटी, इतनी अटेंशन मिलना, तो जनरली मर्द हजरात जो है ना वो, स्पेशली जो थोड़े साउथ एशियन मैन हैं, वो मुझे लगता है कि फॉर देम ईगो एंड ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि उनकी जो वाइफ है या वो है वो ज़्यादा इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में हो, तो होंगे डेफिनेटली ऐसे भी पाकिस्तान में भी। बट मेरे साथ एक मर्द बैठे हैं, आपको लगता है हमारी सोसाइटी अब ज़्यादा प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बन गई है, बन रही है? डेफिनेटली। देखिए, मैं किसी बहुत एक सेंसिटिव लाइन है एक्चुअली इस पर आजकल बात अगर करते हैं तो, लेकिन मुझे लगता है कि मसाइल हर सोसाइटी में होते हैं, बट जनरली आई फील हमारे सोसाइटी में औरतों को अच्छा सेलिब्रेट किया जाता है, वी आर मोर रिस्पेक्टफुल, मतलब इन टर्म्स ऑफ आर वैल्यूज़, हमारी वैल्यूज़ जो है ना, अब कोई उस एडहर करता है नहीं करता है, बट हमारी वैल्यूज़ आर मोर गियर टूवर्ड्स रिस्पेक्टिंग वुमेन एंड अप्रिशिएटिंग वुमेन। आप देखें, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक नेशन आपके मुल्क से आई, यू नो, यूनाइटेड स्टेट्स में आज तक नहीं बन पाई, हिलरी क्लिंटन आज तक लड़ रही है बेचारी, नहीं बन पाई, तो आपने प्राइम मिनिस्टर दे दी यहाँ पे। अगर आप एंड मैं ऑनेस्ट बात, अगर आपको एक बात बताऊँ, सो आई थिंक इवन इन आर इंडस्ट्री द मोस्ट हाईएस्ट पेड यूजली आर फीमेल एक्ट्रेसेस। माशाल्लाह, तालियां, आपकी बात कर रहे हैं। सच बात है। तो मैं आपको ये बताऊं, एंड सो अगर आप ड्रामों की स्क्रिप्ट्स देखें, दे आर गियर टुवर्ड्स वुमेन। माय केस, व्हाट आई वाज सेइंग, नहीं आई मीन रिस्पेक्ट टू बिकमिंग मोर, नहीं आप जो मर्दों की बात कर रही हैं तो बड़ी अच्छी बात कर रही हैं। शादी के लिए अगर एनीवन फ्रॉम पाकिस्तान हु वुड बी एबल टू ओन मी इन अ वे के हाँ, इनकरेज करें कि जाओ तुम्हें फॉलो योर ड्रीम्स, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक इन आवर इंडस्ट्री सरवत गिलानी एंड फहद मिर्जा, देयर सच अ ब्यूटीफुल कपल एंड द वे दे सपोर्ट ईच अदर इन बोथ देयर प्रोफेशंस रिस्पेक्टिवली, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा कोई मिले भी तो ना, जब मिल जाएगा मुझे तो वो चाहे देसी हो या गोरा हो, ऐसी मेंटालिटी वाला बंदा मेरे साथ। इंशाल्लाह, समवन हू इज काइंड। आई मेंट कि
अब आहिस्ता आहिस्ता हाँ आप दोनों की दो बातें मुख्तलिफ थी, उनका मुख्तलिफ सवाल था, आपका मुख्तलिफ सवाल था। मेरा था कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता एज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी वी आर मोर ओपन टुवर्ड्स डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट रिलीजंस, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी एक्सट्रीमिज्म है या इनटॉलरेंस है वो कम होती जा रही है। एज अपोज टू हम अक्सर यू नो वी स्पीक अबाउट अक्रॉस द बॉर्डर हियर अक्रॉस द बॉर्डर देयर, मैं किसी एक पर्टिकुलर नेशन की बात नहीं करूंगा, बट आई ऑनेस्टली थिंक हम लोग एज अ सोसाइटी काफ़ी हद तक यू नो बॉर्डर्स के हर साइड के नेशन से ज़्यादा लिबरल हैं और पास्ट में रह चुके हैं। हम तो अब जाके थोड़े से अपनी सोच छोटी कर रहे हैं, हमारी तो सोच हमेशा बड़ी रही है, अब थोड़ा सा टाइम है, लेकिन अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह महविश जी के लिए कोई बहुत अच्छा लड़का जिस तरह इन्होंने कहा जो बहुत ही लिबरेटिंग हो। मेरे लिए भी दुआ की थी, अब आप महविश के लिए भी दुआ करें, इन दोनों के लिए हाथ उठा लें जी। अल्लाह ताला महविश जी के लिए एक बहुत ही अच्छा जो बड़ा ही लिबरेटिंग हो और वो इनकी सक्सेस को अपनी सक्सेस समझे और कहे कि मेरी भी सारी सक्सेस तुम्हारी है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, आमीन आमीन। की तेनू की उधार चाहिए तेनू हो जाएगा तू। अच्छा चले जी जल्दी से अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, तोले बगैर आपने देने उनके जवाब। किस फीमेल एक्ट्रेस के साथ काम करने में इतना मजा नहीं आया? किस फीमेल एक्ट्रेस के साथ काम करने में इतना मजा नहीं आया? यार ये मुश्किल सवाल है, मुझे आज तक अपनी सारी फीमेल एक्ट्रेस के साथ काम करने में बहुत मजा, मुझे एक्चुअली फीमेल एक्ट्रेस के साथ काम करने में ज्यादा मजा आता है कंपेयर टू द मेल एक्ट्रेस। आपको सवाल पूछे थे किस मेल एक्ट्रेस के साथ मजा नहीं आया, बता दे फीमेल एक्टर के साथ इतना मजा नहीं आया। कैसे सवाल पूछ रहे हैं, आजकल मेल एक्ट्रेस प्रोड्यूसर भी बन जाते हैं। नौकरी से निकलवाना चाहते हैं मुझे? मुझे बात बताइए जब जिंदगी गुलजार है, जब आपके आई थिंक 12-13 सीन्स थे, आपने पुप्पो से जाके नाराजगी की किस बात पे? ये मेरे कम, क्योंकि अक्सर ये भी बड़ा एक्टर्स में होता है ना कि मेरे कम सीन्स ज्यादा सीन्स होने चाहिए, आपको फील हुआ था कुछ? उस वक्त कुछ पता ही नहीं था, मैं स्कूल में था, यूनिवर्सिटी में था, स्कूल से उठ के आ जाता था उस वक्त, तो ऑनेस्टली मुझे हमेशा से डायरेक्शन का शौक था। तो मुझे पापा मिली थी एक शादी पे, तो उन्होंने कहा था तुम मेरे लिए कुछ करोगे, तो मैंने कहा था अच्छा कर लेंगे, इसमें क्या है। तो वो यूनिवर्सिटी से उठ के आता था, तो मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि कैरेक्टर बड़ा छोटा मोटा क्या होता है। जैसा होता है, मुझे तो एक्चुअली लाइंस भी नहीं, मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली थी, मुझे बस वो सीन में अंदर जाने से पहले दे देते थे, तो ऐसे था। तो उस वक्त ऐसे जितनी कुछ समझ नहीं थी, तो कभी वो फीलिंग नहीं आई मुझे कि छोटा रोल मिला या जो हुआ। आई थिंक आपके नसीब का जो होता है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपके नसीब का नहीं होता वो आपको कोई दे नहीं सकता। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। रिलेशनशिप एडवाइस के लिए किस एक्टर के पास कभी नहीं जाना चाहूंगा? किस एक्टर के पास कभी नहीं जाना चाहूंगा? मुश्किल सवाल है। नहीं नहीं, ये एक्चुअली मुश्किल नहीं है, इसके पास नहीं जाना चाहिए। मैं बोलूंगा शहरयार मुनव्वर के पास ये मुझे पता है, और मुझ जैसा और कौन मारा है सोचने दे मुझे। हमजा लिबासी ने शादी कर ली, नहीं तो उसका नाम भी ले सकता था मैं। इजाजत हो तो एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहूंगा, कहीं मत जाइएगा, यू जाकर यू आएंगे। कीप वॉचिंग हद करती विद मोमेंट साकिब, थैंक यू। किस फीमेल एक्ट्रेस को लव लेटर लिखना चाहता हूँ? किस फीमेल एक्ट्रेस को लव लेटर लिखना चाहता हूँ? मैं भी शायद को क्या एंड आई लव लेटर्स, आई एम वेरी ओल्ड स्कूल, ओल्ड फैशन लव। मुंडे पागल ही गए, पता चले आपको कुछ दिन के 300-400 लेटर आ रहे हैं, कंटेनर आ रहा है कराची एयरपोर्ट पे आपके नाम का, हाथ कुछ मुझे लगता है कि अप्रिशिएट भी करेंगी। वेलकम बैक, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं ठीक हूँ, महविश जी ठीक है, श्रीयार भाई पहले से बेहतर है, और शो का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं। मुझे इंडस्ट्री में कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता? मुझे इंडस्ट्री में कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, ये सवाल है, यस और नो? फाद मुस्तफा। पब्लिसिटी स्टंट कंट्रोवर्सी, आप क्यों नहीं कर सकता? पूछा आपने कभी? क्यों नहीं? आप करके देखें उसका जवाब, सुने उनसे। जवाब नहीं, अगर भाई हाजिर जवाब है वो, इनकी क्वालिटी है, अच्छी बात है, होस्ट है ना, मेरे शो पर आए थे, बड़ा मजा आया था। हां तो मैं ये कह रहा हूं, टाइम बड़ा मारा, 1 टू 1, ही इज फैंटास्टिक, ही इज गॉट गुड विटी, ही इज विटी, ही इज वेरी बैंटर, या आई लाइक इट। पब्लिसिटी स्टंट कंट्रोवर्सी, फेमस होने के लिए लाज़मी है ऐसा कौन? व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? पब्लिसिटी स्टंट फेमस होने के लिए लाजमी या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी स्टे इन द लाइमलाइट, एंड आई थिंक इसके दो पहलू है, हां भी और ना भी, क्योंकि कहते हैं बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ, ऐसा ही है शेर। तो ये भी है, और एट द सेम टाइम आई थिंक नॉट नेसेसरली, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच क्या है, डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती है।
वैसे अक्सर बनानी भी नहीं पड़ती आजकल, जितना सोशल मीडिया पे लोगों को चाहिए ना कंटेंट वो खुद ही बना लेते हैं हमारे। आई थिंक हमारी जिंदगी जैसे गुजर रही है, हमें तो बचना पड़ता है, बच रहे होते हैं हम कंट्रोवर्सी। आजकल तो हम ये सोच रहे होते हैं कि यार इस रंग के जूते ना पहन लूं, उस पे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हां हां, या इस तरह की कोई बाल ना कर लो कलर, या कुछ कर लो कि कुछ वो बन जाए। मैंने सेम जूते पहने 10 शोज में, करो मेरी कंट्रोवर्सी। मैं इधर ही बैठा हूं। आप के साथ 600 पाउंड का कड़ा भी पहना हुआ है। गोल्ड वाला है, सिल्वर वाला 595 का होता है, तो ये तो 695 का था मेरे ख्याल से। यार आप ऑनलाइन शॉपिंग तो नहीं करवाते लोगों को? खुद करते हैं ना, ज्यादा खुद करती है। अच्छा, अब बिल्कुल कंट्रोवर्सी की टेंशन लिए बगैर, किस फीमेल एक्ट्रेस को लव लेटर लिखना चाहता हूँ? किस फीमेल एक्ट्रेस को लव लेटर लिखना चाहता हूँ? मैं विश्रांत को। क्या? And I love letters. I'm very old school, old fashioned love. मुंडे पागल ही नहीं पता चले आपको, कुछ दिन के 300-400 लेटर आ रहे हैं, कंटेनर आ रहा है कराची एयरपोर्ट पे आपके नाम का। कुछ मुझे लगता है ये अप्रिशिएट भी करेंगी अगर मैंने इनको लव लेटर लिखा, तो ये मेहनत को अप्रिशिएट करेंगी। बट जवाब इनका क्या होगा? अब नजर आपकी घड़ी पे पड़ी है। ठीक है, तो मुझे मुझे लगता है कि ये ओल्ड स्कूल है थोड़ी सी, तो इनको ये अच्छा लगेगा कि आजकल लेटर भी कोई लिखता है, मैसेज नहीं भेजता। क्या बात। देखिए या आप लोग देखें, अगर आप सच्ची मोहब्बत करना चाहते हैं तो अब ये चैटिंग करना जोड़ दे और लव लेटर्स पे आ जाएं। हाँ। बहुत ही कमाल किस्म का मजेदार सेगमेंट डायमंड से बड़े कुर्ता पहनते हुए शरियात भाई ने दिया। शरियात भाई, महवेश जी की तरफ चलते हैं। ये मोहसिन नवीद रांझा का, मोहसिन नवीद रांझा साहब का कुर्ता है, दिखा दें दफा खड़े होकर। खड़े होकर जबरदस्त, ये तीन बंदों का एक ही कुर्ता है, मोहसिन नवीद रांझा साहब। अभी मुझे लग रहा है एमएनआर ने आपको तो कभी नहीं भेजना कुर्ता इसके बाद। क्या बात है मोहसिन भाई, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया भाई। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं क्या राज है, क्योंकि मैं जब भी कोई कैरेक्टर करता हूँ जैसे कहते हैं कि आप यू नो हमेशा, सो आई एम वेरी लकी कि मेरे 3-4 पाकिस्तान में इतने अच्छे स्टाइलिस्ट दोस्त हैं। एक तो मेरा स्टाइलिस्ट है राहुल खान, उसके अलावा इस्माइल फरीद हैं, मोहसिन नवीद रांझा हैं, उमर सईद हैं और उमर फारूक रिपब्लिक। ये कुछ लोग हैं जो दोस्त हैं मेरे जिनके साथ मैं काम करता हूँ, और उनका ये राज वो है। इनमें कोई लड़कियाँ डिज़ाइनर नहीं है जो आपकी दोस्त हैं जो आपके लिए काम? ऐसी ऐसी खवातीन डिजाइनर्स नहीं है जो मर्दों के लिए डिजाइन करती है? नहीं, अगर ऐसे होती तो मैंने इन चारों की छुट्टी कर देनी है। नहीं है, मैं भी जी नहीं है। देयर आर सम, देयर आर, तो बस इन चारों की मैंने छुट्टी कर देनी है। नहीं नहीं, ये वी आर ऑलवेज लर्निंग। आज शरियार भाई ने ये कह दिया कि मुझे नहीं पता था, अगर है तो मैं उनके साथ भी काम करूंगा। मैं बिल्कुल करना चाहूंगा, ऐसी अगर खवातीन डिजाइनर्स हैं जो मर्दों के कपड़े बनाती है तो प्लीज रीच आउट करें। आज तक क्यों नहीं रीच आउट किया? मैं कुछ के नाम बताऊंगी, राव को बताऊंगी। ठीक है, डन है, डन। महवेश जी, हॉलीवुड की फिल्म या पंजाब नहीं जाऊंगी 3? दोनों, why not both? बिल्कुल ठीक। एक्शन फिल्म या फेरी टेल्स? एक्शन फिल्म। अच्छा, मैंने डैनियल से ज़्यादा अच्छी रील बनाई थी। डैनियल, you lost it. Okay. मुझे बड़ी अच्छी लगी थी वैसे आपकी। Oh yeah. और मैंने फॉर फन बनाई थी, बट वो इतनी अच्छी लगी मुझे, मैंने कहा यार आई शुड पोस्ट इट, एंड आई डिड। यू शुड ऑलवेज पोस्ट, थोड़ा सा भी अगर आपका दिल मान रहा हो ना तो बस पोस्ट इट। मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं हूँ, आई स्वेयर। इट्स पता है बहुत दफा पे ना मैं कहती हूँ ब्रांड, आप ब्रांड को पहन रहे हो, ब्रांड आपको नहीं पहने। ऐसा ना हो कि यू शुड रिप्रेजेंट द ब्रांड। तो आप कुछ भी पहने, अगर आपने अच्छी तरह पहना और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो 1,000 रुपये की चीज़ भी आप लाखों की दिखा सकते हो। और कुछ लोग अगर पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो आपने लाखों की चीज़ भी पहनी है, अगर उसके अंदर यू नो वो अगर वो वाली चीज़ नहीं है, आप कैरी नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, तो फिर देयर इज नो पॉइंट। सो आई थिंक पर्सनैलिटी मैटर करती है, ब्रांड नहीं मैटर करता। वेरी गुड, वेरी गुड। जो एक्ट्रेसेस मुझे क्रिटिसाइज, ने अपना 600 पाउंड का कड़ा छुपा लिया इसी बात पे। नहीं, इसी बात में कहूंगा, चीज लाखों की हो, करोड़ों की हो, या चीज 2,000 की हो, आपको चीज पहन के खुश होना चाहिए। क्या बात है, उसको आप अरबों की कर देते। आप कपड़े पहने, कपड़े आपको ना पहने। जो एक्ट्रेसेस मुझे क्रिटिसाइज करती हैं वो मुझसे जेलस हैं। देखिए अगेन, क्रिटिसिज्म का भी क्या क्रिटिसिज्म है, क्या क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म है या एक एक पॉजिटिव कोई फीडबैक है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम, वेदर इट्स फ्रॉम एन एक्ट्रेस और अ फैन
लेकिन जहाँ पे बेसलेस कोई क्रिटिसिज्म हो रहा हो तो ऑब्वियसली दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ जेलसी. बेसलेस क्रिटिसिज्म अगर आपने किया ना महवेश यादव को तो आप जेलस ही हैं. इंडस्ट्री में एक फीमेल के लिए सक्सेस को फर्क नहीं पड़ता वैसे करते रहे. इंडस्ट्री में एक फीमेल के लिए सक्सेसफुल होना मेल्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुश्किल है आज के वक्त में. आई डोंट थिंक सो. अब बहुत यस बिकॉज व्हेन आई वाज स्टार्टिंग 10 11 इयर्स अगो तो उस वक्त ना ये सोशल मीडिया इतना था ही नहीं एंड नथिंग वाज. अब तो आप वन नाइट वंडर वन हिट वंडर बहुत इजीली बन जाते हैं इतने ज़्यादा. द होल वर्ल्ड इज़ एट द पाम ऑफ योर हैंड. तो वो हमारे यहाँ भी अब नया टैलेंट बहुत इजीली दिख रहा है और लोग अप्रोच कर रहे हैं और बड़ा अडेप्ट कर रहे हैं. कोई भी अच्छा काम दिखता है तो उनको बुला लिया जाता है काम मिलता है. तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एनी मोर. लेकिन सस्टेनेबिलिटी तभी आती है अगर आप में टैलेंट है और आप काम के साथ लॉयल है अपने क्राफ्ट के साथ. ऑफ कोर्स वरना तो आप 30 करोड़ में किसी को भी रातों रात स्टार बना दो, दो मूवीज करा दो, 3-4 एड्स दिलवा दो, टैलेंट होगा तो सस्टेन करेगा. वरना तो पैसे से आप किसी की भी नैरेटिव बिल्डिंग इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं. एंडी वॉरहल एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे. ये वो है जिन्होंने पॉप कल्चर आर्ट शुरू किया था. याद नहीं वो बीन्स का डब्बा? एंडी वॉरहल. बिल्कुल नहीं जानता बताएं. एंडी वॉरहल पॉप आर्ट करते थे और बड़े फेमस है. आपने देखा होगा अक्सर वो जो आर्ट है जिसमें बीन्स के डब्बे होते हैं या मैरिलिन मनरो की बहुत सारी तस्वीरें हैं. सो ये एंडी वॉरहल ने बनाया था. एंड इतने साल इतनी डेकेड्स पहले उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि कौन फेमस होगा आगे, आर्टिस्ट कौन बनेगा. तो उसने कहा मुझे ये तो नहीं पता कि कौन आर्टिस्ट बनेगा, कौन सा आर्ट अप्रिशिएट किया जाएगा. मुझे ये पता कि पीपल विल बी फेमस फॉर 15 मिनट्स. यार उसने इंसान ने कितनी बड़ी बात कितनी डेकेड्स पहले बोली जो कि आई थिंक अब अप्लाई होती है कि यू बिकम फेमस. उधर से तो आता है 15 minutes of fame. Yeah, जो एक लाइन है, one hit wonders. 15 minutes. One hit wonders you call them. Yeah, so it comes that concept comes from Andy Warhol's statement. But if you have substance, you can probably sustain it, take it forward, and you can always learn and Absolutely. Grow. Absolutely, substance is all. वो कहते हैं substance is always in fashion. Trends will come and go. Yep. But it is always in fashion. Always in Very fashion. Good. महंगे gifts शौक से कबूल करती हूँ, लेकिन किसी और को महंगा gift कभी नहीं दूँगी. अब मुझे लगता है इस द अदर वे अराउंड. मैं बहुत महंगे गिफ्ट देना पसंद करती हूँ. आपकी दोस्ती क्यों नहीं हुई? आप लाइन में लग जाए. मैं महंगे गिफ्ट देना पसंद करती हूँ और महंगे गिफ्ट लेना भी पसंद करती हूँ. सो आई एम ओके विद दैट. यू आर ओके. बहुत ही मैं वैसे महंगे गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद करता हूं. मुझे अंदाजा है. हम ड्यूटी फ्री पे एक दफा गए. ये सब गिफ्ट्स ही तो नहीं है शरियार भाई. जो कुछ आप इतने सब पे इस वक्त भाई ये तो गिफ्ट्स ही हैं. अल्लाह मियां के गिफ्ट्स हैं. अरे यार लाइन पे लाइन. जिंदगी क्या बात है. मोहसिन को अल्लाह ताला ने वसीला बनाया इसकी वजह से ये कुर्ता आया. और घड़ी का वसीला कौन था? घड़ी का वसीला कौन था? ये बातें छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं. कहीं मत जाइएगा. इस तरह जाकर इस तरह आएंगे. कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब. तुमने अगर ऐसी बात की ना तो मैं तुम्हारी टांगे और लाते दोनों तोड़ दे. तोड़ देना. तोड़ दे. ऐसे बोलेगी तो ना कहूंगा तोड़ देना. उसके बाद ख्याल भी आप ही रखेंगी ना. ये तो मैं हो रही है यार भाई. ख्याल भी आप रखेंगी. मैं ही लगाऊंगी. वेलकम बैक. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे. मूड स्विंग्स की तरफ लास्ट सेगमेंट है. इसमें क्या होगा कि मैं कोई डायलॉग बोलूंगा फिर उसको एक सर्टेन इमोशन में हमने एक डिफरेंट इमोशन में हमें बोलना है और जो कि मुझे मिल नहीं रहे. चलें जी पहला डायलॉग है. अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो देख लेना लाते और टांगे दोनों तोड़ दूंगा. रोमांटिक वे में. किसने करना है? मैंने. आप कर लें या आपने करना है? मैं इनको ये बात बोल ही नहीं सकता. अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तो देख लेना लाते और टांगे दोनों तोड़ दूंगी. तुमने अगर ऐसी बात की ना तो मैं तुम्हारी टांगे और लाते मेरी आंखों में देखो प्यार है, मेरे दिल की धड़कन सुनो तुम्हारा इंतजार है, तुम्हें देख के चेहरा मेरा गुलजार है, कैसे कहूं तुम्हें मुझे तुमसे प्यार है. पढ़ लंबा है यार. ये डायलॉग बेकार है. आप साइकोटिक है. साइकोटिक नहीं नहीं ये चेंज कर दे. इमोशन एक्टर के लिए तो कोई इमोशन भी ठीक रहता है यार. हाँ. अच्छा वैसे मैं आपको बड़े एक्टर की डिटेल बताऊं. मुझे दिखाएं ये लाइन. ये लाइन दिखाएं. ये लाइन दिखाएं.
अक्सर जो है ना हमारे किधर है आपके मुताबिक जिस तरह भी साइकोटिक इसको बोलेगा वैसे बोल दे। अक्सर हमने देखा है ना कि जो आपने साइकोटिक इंसान दिखाना है उसने आगे से कह रहा है मेरी आंखों में देखो प्यार है मेरा जीना तो मेरे बेकार। ये साइको आदमी ऐसे नहीं होता। कैसे होता है साइको आदमी? तो ऐसे देखता देखता है मेरी आंखों में देखो तुम्हारे लिए प्यार है, तुम्हारे बगैर मेरा जीना बेकार है, अगर तुम मुझे ना मिली ना तो मैं मर जाऊंगा मेरे बगैर। तालियां तो बस यही ना करना था। आप हेलीकॉप्टर आ गए, ढेर सारी तालियां। उन्होंने दोनों वेरिएशन दे दी कि जोन सी भी चल जो अच्छी लगे लगा देना। अच्छा जी अब आखिरी आपका मामू मामू हमारा बकरा कोई उठा के ले गया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो भागता रहा भागता रहा भागता रहा। रात को चौकीदार को आवाज लगाते हो इस टाइम, मामू मामू हमारा बकरा कोई उठा के ले गया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो भागता रहा भागता रहा भागता रहा। मामू जी दिखाइए मैं पढ़ के। ये किस तरीके से बोल रहे हैं? चौकीदार को आवाज लगा, चौकीदार को, ओ मामू मामू हमारा बकरा कोई उठा के ले गया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन भागता रहा भागता रहा भागता रहा। अरे मेरे को सोने दे। I'm guessing वो लाउड होगा क्योंकि वो गली में बोल रहे हैं। वाह वेरी नाइस, थैंक यू। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बकरों से आपको मोहब्बत है? शौक था बचपन में बकरे रखने? ऑलवेज, हां हमेशा से। पहले टाइम ज्यादा स्पेंड करती थी, अब जब से चांस लगा रहे हैं इनके साथ इसके बाद जाके आप वैसे कहना मैं आपको किसका शौक है? वैड़े का, ऊंट का? बहुत बुरी आई है ये बात, मैं नहीं बोल सकता कैमरे पे जो आया है मुझे। बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे। नहीं बोल सकता, चले आगे बढ़े। ये ऑफ कैमरा सुनाऊंगा आपको। चले आप बोल करा रहे हैं आप मुझे मोहम्मद साकिब, ऑफ ट्रैक कर रहा हूँ मैं आपको, ऑफ ट्रैक। अच्छा जी आपके लिए वो हिसाब का उसूल होता होगा कि दो में से एक निकालो तो एक बचता है, मोहब्बत में दो में से एक निकालो तो एक भी नहीं। वो हिसाब का दिल्लगी का डायलॉग, दिल्लगी का लास्ट फाइनल डायलॉग। हिसाब का उसूल होता होगा कि दो में से एक निकालो तो एक बचता है, मोहब्बत में दो में से एक निकालो, मोहब्बत के उसूल कुछ और है, यहाँ दो में से एक निकालो तो एक भी नहीं बचता। उन्होंने लिखा हुआ है, ये देखिए समझने वाले आप इतनी मेहनत ना करें, कंटेंट वाले ने लिखा है फॉर मेविश, इन्होंने चेंज करके फॉर शहरयार कर दिया। अभी रुक जाए, याद तो करें किस हस्ती के साथ मैच कर रहा हूँ आप, क्योंकि लोगों ने मुझे बोलते तो देखा है ना, शहरयार को नहीं देखा। एक निकालो तो एक बचता है, खुश होना चाहिए। मैं इनको किस पेडिस्टल पे रख रहा हूँ जाके, एक निकालो इनको मैविश बना दिया मैंने, ये हमारी मैविश याद है। मोहब्बत के उसूल कुछ और हैं, यहाँ दो में से एक निकालो कितना बड़ा, एक भी नहीं। अरे लेकिन आपने बोलना पता किस तरह, ये रट्टा क्यों मार रहे हैं आप, समझने तो दे। वो हिसाब का उसूल होता है कि दो में से एक निकालो तो एक बचता है। मोहब्बत के उसूल कुछ और, ये देखे ना, मोहब्बत के उसूल कुछ और होते हैं। आप अंडे लेने गए हैं, दो में से एक निकालो तो एक भी नहीं बचता। आप अंडे लेने गए हैं, दो में से एक निकाला एक बचा, मोहब्बत में दो में से एक निकालोगे एक भी नहीं बचेगा। लेकिन आप हैप्पी, टीवी पे ऐड आ रहा है, टीवी पे ऐड आ रहा है, जहाँ दो में से एक निकालो तो एक बचता है, मोहब्बत में हिसाब नहीं होता, यहाँ दो से एक निकालोगे तो एक भी नहीं बचेगा। अब हैप्पी 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 हैप्पी। हाँ जी देखिए ये मोहब्बत का असूल होता है, नहीं ये हिसाब का असूल, ये तो हिसाब का असूल होता है जहाँ पे दो में से एक निकालो तो एक बचता है, मोहब्बत का असूल होता है उसमें असूल ही नहीं होता, दो में से एक निकालो तो कुछ भी नहीं बचता। मुझे ये ऐड मिल जाएगा, ये आपको ऐड मिलेगा, पहले भी बहुत ऐड मिले हुए हैं, हम आपको टीवी में भी देखते हैं और कोशिश से भड़के तो कुछ है ही नहीं, क्या बात है। ढेर सारी इन दोनों के लिए तालियां, बहुत ही प्यारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बहुत 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 हमें एंटरटेन किया, एंड आई होप इन्होंने भी ये शो आज का बहुत इन्जॉय किया होगा। और आपको पता है जहाँ हम हंसते हैं हंसाते हैं वहाँ हम कोशिश करते हैं कि हम मुआशरे की उन तल्ख हकीकतों पर गौर करें जिनको हमारे गौर की ज़रूरत है, हम सोसाइटी के उन इश्यूज़ को हाईलाइट करें जिनको अगर हम हाईलाइट करके उन पर काम कर सकते हैं तो हमारी सोसाइटी आगे एडवांस करेगी। तो इसलिए हमारा आखिरी सेगमेंट होता है गौर करो, चलते हैं गौर करो की तरफ। हमारी सोसाइटी में रूटीन के मसाइल तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो टैबूज़ हैं। इनमें से एक इशू है लोग बेटी की बजाय बेटा पैदा होने की ख्वाहिश रखते हैं। ये मसला इतना संगीन है कि बाज़ औक़ात अपने वसाइल से ज़्यादा बच्चे सिर्फ बेटे की ख्वाहिश में पैदा कर लेते हैं और किसी को भी बेहतर ज़िंदगी फराहम नहीं कर पाते।
ना सिर्फ ये बल्कि इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि फैमिली कोर्ट्स में बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें कपल की सेपरेशन बेटा ना पैदा होने की वजह से होती है। ये रवैया ना सिर्फ इंसानी अख्तियार के ख़िलाफ़ है बल्कि ये इस्लामी रवायात के भी मुनाफी है। आए मिलकर इस बात पर गौर करें कि हम इस माइंडसेट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हमें ये सोचना होगा कि एक स्पेसिफिक जेंडर पैदा करना औरत के इख्तियार में नहीं, और इसी के साथ हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि जहां माँ बाप अपने बच्चों पर इतना वक्त लगाते हैं, अपने इतने वसाइल उन पर खर्चते हैं इस उम्मीद में कि अक्सर वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, तो आपके बेटे भी कौन सा आपके बुढ़ापे का सहारा बन रहे हैं। बल्कि आजकल तो ये देखा जाता है कि बेटे नहीं, बेटियाँ ही अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनती हैं। तो इस बात पर जितना गौर करें कम है कि बेटियाँ ज़हमत नहीं, एक रहमत हैं। और ये माशरे में अब हमें नज़र भी आना शुरू हो गया कि अक्सर घरों में बेटे माँ बाप को छोड़ जाते लेकिन उनकी बेटियाँ ही उनके बुढ़ापे में उनका ख्याल रखती हैं और आखिर तक उनका साथ देती हैं। तो इस माइंडसेट को बदलें और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे हथकरघी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।